नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि RBI ने बिटकॉइन की ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगा दिया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये न्यूज़ ऑलरेडी पता हो, पर आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बिटकॉइन के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ पहले भी डाले हैं, जहाँ पर मैं समय समय पर अपने व्यूअर्स को आगाह करता रहा कि आप बिटकॉइन के अंदर निवेश मत करिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बार चेतावनी जारी की जा चुकी है RBI के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी। पर दोस्तों, उन सभी वीडियोज़ के ऊपर मेरी ज़बरदस्त ट्रॉलिंग होती है, पर मुझे ट्रॉलिंग से डर नहीं लगता। जैसा कि एक फेमस डायलॉग है, साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता पर प्यार से डर लगता है। दोस्तों, उसी तरीके से मुझे ट्रॉलिंग से डर नहीं लगता, पर मुझे इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं आप किसी गलत फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश ना कर दें और वहाँ पे आप अपने पैसे का नुकसान ना कर बैठें। तो दोस्तों, मुझे ट्रॉलिंग से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि आज के वीडियो में भी ज़बरदस्त ट्रॉलिंग होगी जिन लोगों ने बिटकॉइन में निवेश किया हुआ है, पर दोस्तों, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। मैं आपके साथ RBI की वो प्रेस रिलीज़ भी शेयर करूंगा कि जहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा है बिटकॉइन के बारे में। और दोस्तों, कुछ दर्शकों ने मुझे काफ़ी बार लिख के पूछा है कि भाई, काफ़ी लोग जो दूसरे लोग हैं वो हमें कह रहे हैं कि बिटकॉइन में निवेश बहुत बढ़िया है, हमें करना चाहिए, इसके अंदर आगे बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हर किसी की अपनी जजमेंट होती है, अपना सोचने का तरीका होता है। अगर किसी और व्यक्ति ने आपको वीडियो के द्वारा बोला है कि आप बिटकॉइन में निवेश करिए या आप बिटकॉइन में मुनाफा कमा सकते हैं, तो दोस्तों, आप उन्हीं से पूछिए कि आज उनका क्या विचार है इस बारे में, तो इसके बारे में निर्णय आप ही कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम RBI के इस बैन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आइए चलते हैं और जान लेते हैं कि RBI के बैन का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं या आप बिटकॉइन को परचेज करते हैं। RBI की प्रेस रिलीज़ को दिखाने से पहले दोस्तों, मैं आपको अपने बैंक के द्वारा भेजी गई एक ईमेल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे बैंक ने मुझे सूचित किया कि बैंक जो है ICICI बैंक, ये अपने क्रेडिट, डेबिट या प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल अलाउ नहीं करेगा किसी भी तरह की बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसीज़ को परचेज करने में या उनको ट्रेड करने में। दोस्तों, इसके अंदर वो वाले रेमिटेंसेस भी शामिल हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आप किसी और वेबसाइट जो कि इंडिया में नहीं है या बाहर की कोई वेबसाइट है, वहाँ पे आप पैसे ट्रांसफ़र करके वहाँ से आप बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी खरीद सकते हैं, तो दोस्तों, यहाँ पे बैंक ने साफ तौर पे सूचित किया है कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस टुवर्ड्स परचेज और ट्रेडिंग ऑफ सच बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज एंड वर्चुअल करेंसीज एट मर्चेंट्स सस्पेक्टेड टू बी डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसीज और ऑनलाइन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग और बोथ, मतलब ये जो इन सभी केसेस के अंदर बैंक आपको अलाउ नहीं करेगा अपना कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने का। मतलब आप बैंक को ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा पैसा है, मेरी मर्ज़ी, ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगी। बैंक आपको अलाउ ही नहीं करेगा अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे बैंक को डाउट है कि ये वेबसाइट जो है वर्चुअल करेंसीज़ में डील करती है, अगर आप क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस करते हैं वर्चुअल करेंसी को डील करने में, वो भी अलाउड नहीं है। तो एक तरीके का आप समझ के चलिए कि एक तरीके का ब्लैंकेट बैन है वर्चुअल करेंसीज़, क्रिप्टो करेंसीज़ या बिटकॉइंस के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी दर्शकों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि अगर हम बाहर की किसी वेबसाइट के थ्रू परचेज करें तो वहाँ पे हमें बैंक मना नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ईमेल दिखाने का पर्पस यही था, क्योंकि ये RBI की प्रेस रिलीज़ में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे बैंक ने क्लैरिफाई कर दिया है कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस भी अलाउड नहीं है अगर इन क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस का इस्तेमाल किसी भी बिटकॉइन, वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के परचेज या ट्रेडिंग के अंदर किया जाता है। दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं RBI की प्रेस रिलीज़ के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे RBI ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की थी वो 5 अप्रैल को की थी। यहाँ पे आप इस प्रेस रिलीज़ का जो लिंक है वो आप मेरी वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरी वेबसाइट nitinbhatia.in पे जाना होगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको एक लिंक नंबर 29 दिखेगा, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये RBI की जो प्रेस रिलीज़ है वो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 13 है, जहाँ पे RBI ने लिखा है रिंग फेंसिंग रेगुलेटेड एंटिटीज़ फ्रॉम वर्चुअल करेंसीज़। दोस्तों, यहाँ पे RBI ने बोला है कि जो भी एंटिटीज़ जिनको RBI कंट्रोल करता है या जिनके ऊपर RBI का एक तरीके से आप कह लीजिए कि जुरिसडिक्शन है या जो RBI के अंडर आती हैं,
वो अब बिटकॉइंस, वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर नहीं डील कर पाएंगे, या वो कोई भी ऐसी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जिसकी इन्वॉल्वमेंट इन क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसीज से है। दोस्तों यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ के अंदर सारे बैंक्स आते हैं, क्योंकि सारे बैंक्स हम जानते हैं कि आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। तो दोस्तों अगर इसको शॉर्ट में समझा जाए या समरी के तौर पर समझा जाए, इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरा का पूरा आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा बिटकॉइन, वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर परचेज या उसके अंदर ट्रेडिंग के ऊपर एक तरीके का बैन लगा दिया गया है। आप उसके अंदर नहीं डील कर सकते, आप उसके अंदर नहीं ट्रेड कर सकते, आप ये दलील नहीं दे सकते कि ये तो मेरा पैसा है, मेरी मर्जी, मैं इसको कहाँ भी लगाऊं। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, और इसके बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियोस में भी बता चुका था कि धीरे धीरे सरकार जो है बिटकॉइंस को बैन कर देगी, और ये उसी दिशा में सबसे कड़ा कदम है। तो दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ने आगे लिखा है कि एक डिटेल्ड सर्कुलर आएगा इस विषय में, जो कि सेपरेटली इशू होगा। वो सर्कुलर अभी तक इशू नहीं हुआ है, तो जब भी वो सर्कुलर जारी होगा मैं आपको अपने चैनल के द्वारा उसके बारे में बताऊंगा। पर अभी जो ये प्रेस रिलीज जारी किया आरबीआई ने, वहाँ पे जो पॉइंट नंबर 13 है, इससे बिल्कुल साफ है कि जो भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो अब क्रिप्टो करेंसीज, वर्चुअल करेंसीज या बिटकॉइन के अंदर ट्रेड या डील नहीं कर पाएंगे। अगर वो ऑलरेडी डील कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, तो उनको एक समय दिया जाएगा कि वो अपनी जो ये रिलेशनशिप है ऐसी एंटिटीज़ के साथ, उनको एग्जिट कर दे, उसको टर्मिनेट कर दे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी, और काफ़ी दर्शकों ने मुझे कमेंट करके लिखा कि आपके द्वारा पहले बताई गई बिटकॉइन के बारे में जो भी जानकारी थी उसकी वजह से हमारे काफ़ी पैसे बच गए, हम उसमें फंसते फंसते बच गए, हमने आपका वीडियो देखा तो उसकी वजह से हमें काफ़ी लाभ हुआ और हमने अपना नुकसान होने से बचा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ, दोस्तों एक पुख्ता जानकारी होती है, एक ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी होती है। कोई भी मैं बातें हवाबाजी में नहीं करता, और आप कभी भी किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश मत करिए जिसके ऊपर आरबीआई की मोहर नहीं लगी हुई, जिसको आरबीआई ने अप्रूव नहीं किया हुआ, या जो हमारे एक फॉर्मल फाइनेंशियल या हमारे बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा हो। वहाँ पे आपका निवेश बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे आपके निवेश को बहुत बड़ा खतरा है, और वहाँ पे आप अपने निवेश को गंवा भी सकते हैं, जैसा कि अब बिटकॉइन के केस में हुआ। अब यहाँ पे जिन दर्शकों ने दोस्तों बिटकॉइन के अंदर निवेश किया हुआ है, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपना पैसा वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप किसी भी बिटकॉइन एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी जो सर्विस है, मैं यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखा सकता, तो उन्होंने वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आरबीआई के डायरेक्टिव के बाद उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और काफ़ी सारी बिटकॉइन की जो एक्सचेंजेस हैं इंडिया ने, उन्होंने इस समय विड्रॉल या परचेज का जो सिस्टम है उसको बंद कर दिया है, विड्रॉल रिक्वेस्ट को होल्ड पे डाल दिया है, और वहाँ पे दोस्तों निवेशकों का पैसा जो है वो फंस गया है। तो आप इस तरह की किसी भी स्कीम में निवेश ना करें, और जैसा कि पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह चुकी है कि बिटकॉइन एक तरह की पोंजी स्कीम है, तो आज अगर आरबीआई ने कोई प्रेस रिलीज जारी किया है तो उससे पहले काफ़ी बार ऑलरेडी वार्निंग दी जा चुकी थी सभी निवेशकों को। जिन निवेशकों ने उन वार्निंग्स को सीरियसली लिया, आज उनके निवेश को कोई खतरा नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों को लगा कि बिटकॉइन के ऊपर इंडिया में बैन नहीं हो सकता, वहाँ पे इतने सारे लोगों ने निवेश किया है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कीम जो भी पॉन्जी स्कीम है, चाहे वहाँ पे कितने लोगों ने निवेश किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे सरकार का फर्ज बनता है कि ऐसी स्कीम के ऊपर रोक लगाई जा सके ताकि लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, और पास्ट में इसके काफ़ी जीते जागते एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एक्चुअली मैं आज दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला था, जो कि मेरा ऑप्शन चेन एनालिसिस की एक सीरीज चल रही है, उसका पार्ट 3 मुझे आज अपलोड करना था, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी, इसलिए जो NSE ऑप्शन चेन एनालिसिस का जो पार्ट 3 है, या ऑप्शन चेन एनालिसिस का जो मैं आपको सीरीज़ में अभी आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उसका पार्ट 3 जो वीडियो का है वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगा। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सके, और वो भी अपने निवेश को सुरक्षित रख सके। दोस्तों इस वीडियो का विषय यदि आपको पसंद आए तो आप इस
वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कौन से तरह के वीडियोस पसंद आते हैं, किन विषयों के ऊपर वीडियोस पसंद आते हैं। आने वाले समय में मैं उन्हीं विषयों के ऊपर और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।